परवेज मुशर्रफ साहब की किताब इन द लाइन ऑफ फायर की नरेशन जारी है। पिछले एपिसोड में हमने आपको जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जब के सब मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स में से थे, हमने आपकी उसकी कहानी सुनाई कि किस तरह मार्शल लॉ, जनरल ज़िया के मार्शल लॉ में उनके साथ किस किस्म की वाक़ात पेश आए। आज हम उन्हीं में से एक वाक़ आपको सुनाएँगे। मुशर्रफ साहब कहते हैं कि 1979 मुझे कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में एज इंस्ट्रक्टर भेज दिया गया। शरफ साहब कहते हैं कि वो मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन दिनों में से एक थे। 1979 से 81 या 82 तक आई थिंक, वो कहते हैं मैंने उस वहाँ पढ़ाया। शुरू में तरीका यही था कि वहाँ पे एक पिंक कलर के नोट्स होते थे, जिसको हम पिंक नोट्स कहते थे, उधर से हमें पढ़ाना होता था। शरफ साहब कहते हैं कि शुरू में मैंने उन्हीं से पढ़ाया, लेकिन उसके बाद मैंने उनको छोड़ दिया और अपने स्टाइल में पढ़ाना शुरू कर दिया, जो कि सब लोगों को बहुत पसंद आया। मैं वहाँ पर फॉरन स्टूडेंट्स का इंचार्ज था और मेरी उनसे बहुत बेहतरीन रिलेशनशिप बन गया था, स्पेशली उसके बाद जब मैं उनको पूरे पाकिस्तान के टूर पर लेकर गया। उन्हीं दिनों का वाक्य है कि मुशर्रफ साहब कहते हैं कि हमने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज की प्लैटिनियम जुबली सेलिब्रेट करनी थी, क्योंकि वो बना था 1905 में और ये हम जिस वक्त में थे ये 1980 था। शरफ साहब कहते हैं कि इस मोमेंट पे जनरल ज़ियाउल हक ने भी वहाँ पे आना था और मुझे तैयारियों का बताया गया कि ये बताया गया। खैर, मैंने तैयारियों के तौर पर पाकिस्तान भर से जितने भी म्यूजिशन और डांसर्स थे वेल नोन, उन सबको इकट्ठा किया और ट्रेन में बैठा के क्वेटा के लिए रवाना कर दिया। शरफ साहब कहते हैं कि आधी रात मुझे एक फ़ोन आया और मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब मुझे बताया गया कि ज़ियाउल हक साहब ने कहा है कि पार्टी और डांस और गाना उस महफिल में बिल्कुल नहीं होगा, और नाच गाने वाले और फिर स्पेशली औरतें तो बिल्कुल किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुशर्रफ साहब कहते हैं कि मुझे ये सुनकर बहुत हैरत हुई, क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी लाहौर से रवाना हो चुकी थी और उसमें पाकिस्तान भर के वेल नोन म्यूजिशंस थे। मुझे उस वक्त कुछ ना सूझी सिवाय इसके कि मैं एक सब मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो कि सखर में थे और एक ब्रिगेडियर थे, मैंने उनको फ़ोन किया। ब्रिगेडियर साहब ने पहले तो मुझ पर बहुत गु़स्सा हुए, क्योंकि एक लेफ्टिनेंट कर्नल एक ब्रिगेडियर को आधी रात में फ़ोन करके इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि जो ट्रेन आ रही है उसको रोका जाए। बहरहाल आधी रात में मैंने उनसे कहा कि सर, इसमें मेरी और आपकी दोनों की इज़्ज़त का सवाल है, तो आप काइंडली जाके उस ट्रेन को जो कि क्वेटा आ रही है वापस डिटैच करें और वापस जाने वाली लाहौर जाने वाली किसी भी गाड़ी के पीछे लगा दें। मुशर्रफ साहब कहते हैं कि आधी रात को ऐसे ही किया गया कि फ़नकारों जिस गाड़ी में जिस डब्बे में बैठे थे उसको डिटैच करके वापस लाहौर वाली गाड़ी के साथ अटैच कर दिया गया। मुशर्रफ साहब कहते हैं कि मैं वो मोमेंट देखने के लिए काश मैं वहाँ होता कि जब सुबह वो सारे आर्टिस्ट उठे होंगे, उन्होंने देखा होगा कि हम बजाय क्वेटा के वहीं पहुँचे हुए हैं जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था, कौन के चेहरे पर किस किस्म की परेशानी और किस किस्म के तासरात होंगे। बहरहाल मुशर्रफ साहब कहते हैं कि ये ज़ियाउल हक साहब का ये तरीका था कि उन्होंने मुल्क में गाना बजाना और डांस और मौसीकी, इसको एक टैबू बना के रख दिया था, और ये उनकी मजबूरी भी इस सेंस में थी क्योंकि ज़ियाउल हक साहब ने भुट्टो को फांसी देकर उनको एक इटर्नल लाइफ बख्श दी थी, और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए उनको मजबूरन मज़हबी जमातों के करीब होना पड़ा, और मज़हबी जमातों को खुश करने के लिए वो इस किस्म के इकदाम करते थे। हालाँकि एज़ टू माई नॉलेज कि वो अपनी पर्सनल प्राइवेट महफिलों में सेमी क्लासिकल म्यूज़िक को काफ़ी इन्जॉय भी करते थे, लेकिन बहरहाल दुनिया को दिखाने के लिए पोर्ट्रे कुछ और ही किया जाता था। बहुत शुक्रिया जी, हमारी वीडियोस देखते रहिए, हमारे YouTube पेज को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। हम आपको इसी किस्म के डिफरेंट बुक से डिफरेंट पैसेजेस रीड करके सुनाते रहेंगे।